हाय गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मनुजा। और आज मेरी यूनिवर्सिटी में बेसिकली 3 डेज का फंक्शन है, और 3 डेज के फंक्शन का आज फर्स्ट डे है। तो अभी 3 o'clock हुए लाइक आफ्टरनून के, और मैं शाम में जा रही हूँ। सुबह यूनिवर्सिटी नहीं गई क्योंकि मैं शाम के इवेंट्स अटेंड करने थे, जो कि कवाली नाइट है और क्या है, मुशायरा वगैरह है और डिनर है। तो अभी मैं अंदर चेंज इन टू माई ड्रेस, द वन आई एम गोना वेयर, और फिर मैं मेकअप वगैरह करने लगी हूँ। सो सी यू। मेरा ड्रेस है, इट इज़ लाइक सिंपल बट फॉर्मल एथनिक का ये ड्रेस है जो मैं पहनने लगी हूँ। और आजकल आपको पता है शीशे का काम काफ़ी इन हुआ हुआ है, सो आई लव लाइट कलर्स। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड दैट इन सम ऑफ माई व्लॉग्स। तो ये मैं पहनती हूँ। आई हैव चेंज इन टू माई ड्रेस और अभी मैं मेकअप करने लगी हूँ। I don't know if you can see me or not, but I don't know where to put you guys. I guess here. This is fine, perhaps. लगा ली अपनी बेस। I don't know where to set you guys. हाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ कर ली, वरना मैं ज़्यादा देर मेकअप रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मुझे काफ़ी तवज्जो से मेकअप करना होता है। तो बेस मुझे सब लोग कहते हैं, सब लोग नहीं कहते, खैर काफ़ी लोग कहते हैं गर्दन पे भी लगाएं, लेकिन उससे कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं। सो आई एम ओके बीइंग कॉल्ड पेंडू, लेकिन मुझे अपने कपड़े ख़राब नहीं करवाने। तो अब मैं बस इस टेंशन में हूँ कि क्या थोड़ी सी और बेस लगाऊं कि नहीं, क्योंकि इट्स अ फंक्शन और नाइट टाइम फंक्शन होगा, तो थोड़ा सा आपको पता है बेस और मेकअप थोड़ा तेज़ ही होना चाहिए। तो आई थिंक बेस मेरी अच्छी लग गई है, और मेबिलिन की बेस मैंने लगाई हुई है, लेकिन मेबिलिन की बेस मेरी ख़त्म होने वाली है। और आजकल मेबिलिन पे इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आए हुए हैं। आई होप सब कुछ अच्छा रहे। मैं सोच रही हूँ, मैं पहले फेस पाउडर भी मेबिलिन का लगाने लगी थी, देख वो बहुत ज़्यादा पाउडरी है, तो मैं ये रिमल का है मेरे पास, आई एम थिंकिंग ये वाला लगा लूँ। ये थोड़ा लाइट है और ये ना बहुत ऐसे नहीं लगता, केकी सा नहीं लगता। पाउडर मैं थोड़ा अच्छी तरीके से लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा गर्मी बहुत है और ओपन एयर फंक्शन है। मेरी बहन बुशरा तड़पती हुई फिर रही है, इसके हर वक्त ड्रेस डिजाइन के इश्यूज रहते हैं। इससे दिल में आहा निकल को क्या करती फिर रही हूँ मैं, अपने पे फोटा लगा के देख रही थी सिल्वर कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो फिर चेंज कर दिया। मेरा क्या कर रहा है लाएगा कौन, मेरे कुछ ध्याले इसने ना मरते दम तक कबर तक माँ बाप को तंग करना है। तो मुझे यूँ लगता है ये पजामा ना एक तुम्हारा है, हाइला अगर है तो मुझे दे दो। मुझे यूँ लगता है ये देखो ये मेरा तो नहीं था, बहुत खुला है तो मेरा ही होगा है। मैंने कहा मैंने लेसे कभी लगवाई नहीं थी, लगवाई थी क्या? अम्मी ने भाई लगा दी। अच्छा, पता नहीं है ये तुम्हारा ही मेरा, मुझे दे दो। कैसे कैसे मुझे तो याद नहीं, मैंने कहा लेस में लगवाती नहीं तो बुशरा की चीज़ हो रही है। ओके गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार, सिंपल सा मैंने मेकअप किया है बट गजरे वगैरह डाले हैं सिंस इट्स कवाली नाइट। मैं आपको पूरी लुक भी दिखाती हूँ, चलें यहाँ रख के थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। सो दैट्स हाउ आई लुक, ये मेरा टिश्यू का दुपट्टा है एंड दिस इज द सूट। लेट मी शो यू लाइक द कम्प्लीट लुक एज वेल, साइड पर जो ये मेरा फुल ड्रेस है, वेट और ये हील मैं पहन रही हूँ। द हील बिलोंग्स टू माई सिस्टर, क्योंकि मेरे पास कोई हील भी नहीं होती, एक हील है, खैर वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। आई रियली लाइक द नेक, तो दैट्स हाउ आई लुक। द दुपट्टा इज सो हार्ड टू हैंडल बट वी विल डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाए। सो या
ओके जी, तो फिर मैं घर से निकली डैड के साथ काफ़ी लेट, आई गेस 6 o'clock निकली थी और धूप इतनी ज़्यादा तेज़, लेकिन खैर अभी जिस टाइम का ये ब्लॉग है उस टाइम इतनी ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट नहीं हुई थी। और सड़क तो जो मेरे जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ सड़क, वो तो बहुत बहुत उसका बुरा हाल है। तो ये यूनिवर्सिटी में उस टाइम ऑटो शो हो रहा था जो जिसमें आई थिंक विंटेज कार्स भी थी और कोई इस तरह ही जो करंट टाइम्स की कोई रेसिंग कार्स वगैरह होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा शोर है। मुझे था कि मैं देखूँ, मतलब मुझे इतना गाड़ियों वगैरह का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है ना ही शौक़ है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है। जैसे ड्रिफ्टिंग वगैरह वो लड़के कर रहे थे ना, आई वॉन्टेड टू सी, लेकिन ये इन्होंने कोई एक एक बड़ा ग्राउंड नहीं था जहाँ हो रहा था, मतलब एक एले से था वो, यहाँ से जैसे ये जीप गुजरी है इस तरह से ये पूरी चारों तरफ गुजारते थे, तो थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ रहा था। और फिर बहुत ज़्यादा ही बॉयज़ थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी आए हुए थे, तो आई वॉज़ नॉट एज सच इन्जॉइंग। फिर मैं जाके इस ग्राउंड में बैठ गई थी, खुद ही से अकेले थोड़ी सी पिक्चर्स ली क्योंकि मेरी फ्रेंड नहीं आई हुई आज। तो उसके बाद मुशायरे का मैं वेट कर रही थी, लेकिन मैं अंदर नहीं जाना चाहती क्योंकि बाहर ना मौसम बहुत अच्छा सा था, इतना बुरा नहीं था, क्योंकि शाम होना शुरू हो गई तो गर्मी इतनी इतनी वो नहीं थी, तेज़ नहीं रही थी। ऑटो शो में ये है कि म्यूज़िक वगैरह पीछे काफ़ी अच्छा लगा हुआ था तो उसका मज़ा आ रहा था। तो फिर ये मुशायरे के लिए सारी प्रिपरेशन हो रही है अभी, ताकि सारे लोग आए, बच्चे भी बहुत ज़्यादा लोग लेके आए हुए और इतने शरारती बच्चे, और मुझे लगता है वो जो मुशायरा का एक टिपिकल सा डेकोरम होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था क्योंकि इतना ज़्यादा रश भी था इसमें ऑडिटोरियम में, फिर बच्चे इतने ज़्यादा वो शरारती और ये सब कुछ। आई मीन आई डू अंडरस्टैंड कि बच्चे वगैरह होने चाहिए ताकि उनमें डिवेलप हो सेंस ऑफ मे बी आर्ट एंड एस्थेटिक्स। उदासी कहीं ठिकाने लगी, दिल खोल कर दाद दीजिए और प्यार से सुनिए कफील गाना। ये तीसरा इवेंट है दायरा का जिसमें मैं शिरकत कर रही हूँ, और ये मुशायरा उसी आपो ताप के साथ आज भी रवा दवा है, जागरू सारी है और दुआएं कहती रही। और आपको ले तू कौन है, कयास तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं सुनी से क्या को ले तू कौन है, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है। फ्रेंड ने भेजे है मुझे तो मैं ये चेंज करने लगी हूँ, ये वाले मुझे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन वैसे ये वाले मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहे हैं, सो आई डोंट नो कि मुझे कौन से पहनने चाहिए। तो खैर ये मैं अपनी दोस्त वाले झुमके पहन रही हूँ। तो वैसे खैर मुझसे आजकल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैं व्लॉग्स नहीं बनाती, तो बेसिकली एक तो मेरा इंटरेस्ट जो है ना इट हैज़ डाइड डाउन, दूसरा ये कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं जब बहुत कुछ यूँ कर रही थी ना, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी की जॉब भी, फिर साथ ब्लॉगिंग भी, अपना मेरा वेबसाइट भी है, तो इट वॉज़ अफेक्टिंग माई हेल्थ रियली बैडली। तो मैंने ये देखा कि मुझे अपनी हेल्थ को बहुत फोकस रखना चाहिए, और ये वीडियोस जो अब मैं बना रही हूँ बेसिकली जैसे वंस इन अ वाइल, वंस इन टू मंथ्स, वन मंथ मैं कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो वो बेसिकली मेरी फैमिली के लिए है, मेरी अपनी मेमोरीज़ के लिए है। स्पेशली जब मेरी नीस बड़ी होगी तो वो देखेगी कि लाइक व्हाट एक्टिविटीज़ आई वर यू नो आई वाज डूइंग, ये इस सारे के लिए। तो अब ऐसे व्लॉगिंग इज़ नॉट लाइक अ काइंड ऑफ एन एक्चुअल थिंग दैट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट दिस चैनल वुड बी माई कलेक्शन ऑफ माई मेमोरीज़। तो या ब्लॉगिंग का ऑनेस्टली टाइम नहीं है मेरे पास। हेयर स्टाइल मुझे अपना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, बट खैर अच्छा जी। तो फिर लिपस्टिक्स तो रीटच करनी ही पड़ती हैं, और अभी आई थिंक मुशायरा के बाद डिनर होना है,
और बाहर बहुत अच्छा डिकोर यानी लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई हुई है, तो मैं उसको भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। और मेरी फ्रेंड नहीं आई तो मुझसे मेरी बहनें भी कह रही थी कि तुम अकेले कैसे इन्जॉय करूँगी, तो मैं अकेले बहुत चीज़ें इन्जॉय करती हूँ और मुझे ये बहुत अपनी सुपर पावर सी लगती है क्योंकि मुझे ये बहुत इंडिपेंडेंट बना देती है। मैं देखती हूँ लोग एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, बट मी इन्जॉइंग एवरीथिंग अलोन हैज़ मेड मी सो मच इंडिपेंडेंट। और इस तरह देखें ये थे, मुझे भूल गए क्या इसको कहते हैं, तो खैर ये फिर डिनर के लिए सारी तैयारियाँ हो रही थी, बाहर लाइटिंग बहुत अच्छी थी, तो फाउंटेन कहते हैं उसे बाय द वे आई गेस, तो मैं ये सारा कुछ इन्जॉय कर रही थी। फिर डिनर सर्व हुआ, डिनर का जो टेस्ट वगैरह वो बस इतना भी अच्छा नहीं था, एवरेज था। फिर हमने डिनर इन्जॉय किया, म्यूज़िक भी था। फिर मेरे साथ ये जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं इनकी मम्मीज बैठी हुई थी, तो बेसिकली वो जो हमारे टीचर्स हैं मेरे कलीग्स उनकी वाइफ्स थी। फिर ये मैं सभी के लिए जो हमारे साथ यहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी उनके लिए मैं केक ले आई, हम सब ने खाया और थोड़ा सा मेरे कपड़ों पे भी गिर गया था जो कि मैं फिर धोने चली गई। और फिर मैं वहीं से धोने के बाद डायरेक्ट इस ग्राउंड में जहाँ पे कवाली नाइट थी एक्चुअल में वहाँ चली गई, और मैंने कहा कि बाकी वो जो मेरे सब फीमेल्स थी वो फिर बाद में आ जाएंगी क्योंकि वो इकट्ठी थी जो वाइफ्स एंड डिफरेंट मेल कोलीग्स की, उनकी आपस में मतलब लाइक दे काइंड ऑफ हैव अ गुड बॉन्ड। और फिर मैं आगे मैं चाह रही थी कि शुरू में एक बैंड की परफॉर्मेंस भी थी कवाली से पहले, तो आई वांटेड टू एंजॉय दैट इज़ वेल, और मैंने बहुत एंजॉय किया था उनको। मतलब वो थे आई गेस कोई जैसे वो होता है ना अंडरग्राउंड बैंड्स लाइक नॉट दैट एस्टेब्लिश वो थे, लेकिन आई डिड एंजॉय देयर परफॉर्मेंस अ लॉट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ बच्चे भी आ गए, जितने भी स्टूडेंट्स थे अभी थोड़े से आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो हमने बहुत कवाली नाइट एंजॉय की। तो अब मैं आपको वो थोड़ी सी चीज़ें दिखाती हूँ जो कवाली नाइट पर रही। जल्दी जल्दी मैं बस पकड़ने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे यह कि मेरी जो बस मेरा रूट है वो ना निकल जाए, और वो बसेस खड़ी हैं जैसे ही देखती हूँ तब दोबारा आपको कर दूँगी। फिर